हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आज वीकेंड है और मैंने सोचा कि अभी शाम का टाइम है, ब्लॉग शुरू करती हूँ, बिकॉज कुछ स्पेशल है। अभी आज ऐसा स्पेशल नहीं है, बट आज अभी हम कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेशल है, बैठ के बात करते हैं। सो बेसिकली यहाँ लाइट अच्छी आ रही है ना, फेस अच्छा दिख रहा है, तो बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये जो हुआ था वार्ड और जिसमें इन्फेक्शन हो गया था, वो मैंने कट करवा लिया है या फिर बर्न करवा लिया है। सो अगर आप देखेंगे तो निशान दिख रहा है और निशान रहेगा, 5 से 6 महीने दाग रहेगा। फर्स्ट अपडेट। सेकंड अपडेट, मैंने अपने बाल छोटे छोटे करा लिए हैं, वो मैं अभी जब रेडी होंगी तब आपको दिखेगा। तो ये 2 अपडेट्स थे। एंड आज स्पेशल क्या है, आज है राम का फर्स्ट टेम्पल विजिट। आज राम को फर्स्ट टाइम टेम्पल ले जाएंगे। वैसे तो 1.25 महीने के बाद ले जा सकते हैं, 40 डेज के बाद में ले जाना चाहिए, बट मेरी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे थे, बट अब मैं जा सकती हूँ मंदिर। तो अभी इसको 50 डेज हो गए हैं राम को, 51 डेज इनफैक्ट। तो हम लोग आज जाएंगे, अभी शाम हो 6 o'clock हो रहे, 7 बजे तक जाएंगे मंदिर पहली बार राम को लेकर के। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत दिनों से वेट कर रही थी। जैसे ही 40 डेज हुए थे फिर मुझे था कि कब जाऊँ, तो फाइनली आज इसको मंदिर ले जाएंगे। तो अभी तो वो फिलहाल सो रहा है, थोड़ी देर से उसको उठा के फीड करा के, उठा के तो नहीं, वो खुद ही उठेगा। न्यूबॉर्न्स को आप उठा के, मतलब न्यूबॉर्न्स को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, खुद उठेगा अभी थोड़ी देर से। तो उसको फीड वगैरह करा के फिर मैं रेडी करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या पहनाऊँगी उसको आज। सो ये है, ये देखेंगे आप, तो ये राम को पहनाऊँगी मैं। ये है धोती और कुर्ता, बहुत टाइम से लेकर के रखा है मैंने ये। एंड यहाँ पे मेरा छोटा बेबी शोई शोई कर रहा है, बट अभी उठेगा वो। सो ये है राम की ड्रेस, ये है टिमटिम की ड्रेस, एंड ये है मामा की ड्रेस। मैंने एक्चुअली जब से ये ड्रेस ली थी ना, यही सोच करके रखा था मैंने कि जब मैं, मेरा बेबी होगा और उसको फर्स्ट टाइम मंदिर ले जाऊंगी ना, तब मैं ये पहनूंगी। ये मैंने मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ये ड्रेस ली थी अमेजोन से। ये तीनों चीज़ें ही अमेजोन से हैं। सो ये मैं इसलिए आज पहनने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड थी इस ड्रेस के लिए। प्लस इसके साथ में मैं पहनूंगी ये नेकलेस। इसको भी मैंने यही सोच के रखा था कि इस ड्रेस के साथ में इसको पेयर अप करूंगी, एंड जब मैं फर्स्ट टाइम टेम्पल जाऊंगी बेबी को लेकर के, तब मैं ये पहनूंगी, ऐसा सोचा था। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है। सो ब्यूटीफुल एथनिक वेयर के साथ साथ एक और मैं बहुत अच्छा एथनिक वेयर आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जिसको कि आप अपने स्पेशल ओकेजन पर पहन सकते हो, काफी यूनिक होगा एंड कंफर्टेबल। मेरे लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ा फैक्टर है कंफर्टेबल, बिकॉज एक बच्चे के साथ में आप कंफर्टेबल कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक तो पहला है ये काफी कंफर्टेबल सूट मेरे पास में, एंड दिस वन इज फ्रॉम अमेजोन, और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना नेक्स्ट, वो भी अमेजोन से ही है। और अमेजोन पर एक्चुअली अभी आई थिंक मॉनसून सेल स्टार्ट हुई है 7 से लेके 11 तारीख तक के जून में, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। अप टू 70% ऑफ मिलेगा आपको ब्यूटी एंड फैशन की जो कैटेगरी है उसमें, और साथ ही साथ आपका अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको 20% कैशबैक मिल सकता है। साथ ही साथ टॉप ब्रांड्स मिलेंगे आपको, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एंड जो अमेजोन ने उसकी बेस्ट पार्ट ये है कि 30 डेज में आपको बहुत ही ईजिली रिटर्न हो जाता है अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको कुछ गड़बड़ या फिटिंग में प्रॉब्लम या कुछ ऐसा रिसीव होता है। तो सबसे पहले ड्रेस तो है ये, मैं फटाक से इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ, वैसे आगे व्लॉग में आप मुझे इसको पहने हुए देखेंगे। सो ये है इस पर्टिकुलर ड्रेस की शान, जो कि है इसका दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा है, काफ़ी सुंदर है गोटा पट्टी में। देन इसके साथ में है ये इसका प्लाजो, प्लाजो में भी नीचे अगर आप देखेंगे तो गोटा पट्टी है, काफ़ी सुंदर कॉटन का कपड़ा है प्लाजो का। एंड जो कुर्ता है ये भी परफेक्टली कॉटन है, एंड अंगरखा पैटर्न में है, आगे आप मुझे वेयर किए हुए देखेंगे वीडियो में, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड कंफर्टेबल, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी क्योंकि पोस्टमार्टम बॉडी है मेरी, डिलीवरी के बाद की बॉडी है, तो टमी जो है वो अंदर नहीं गया हुआ है, तो अगर आपकी टमी निकली हुई है तो उसमें भी इस तरीके की जो कुर्तीज़ होती है और ड्रेसेस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, आपको मोटा नहीं दिखाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। स्लीव्स वगैरह का पैटर्न और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस पर्टिकुलर ड्रेस की, तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सूट्स में से है ये वाला सूट। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो है एक वाइट अनारकली के साथ में वेलवेट का मरून दुपट्टा, काफ़ी सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है ये।
सो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी अमेजोन से है और इसका मटेरियल है प्योर कॉटन, बहुत ही अच्छा वाला कॉटन है। एंड अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इसमें इस तरीके का डिज़ाइन है गोल्डन में, और स्लीव्स इसकी ऑलमोस्ट फुल आ जाती है, और वो पूरा अनारकली होता है ना, जो जो एक डांस फॉर्म आई थिंक कथक वगैरह में पहनते हैं, जो गोल घूम तो पूरा गोल घूम जाता है, बिल्कुल वैसा लुक आता है इसका, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। पूरा लॉन्ग, इसके नीचे आपको लेगी वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कपड़ा जो है वो काफ़ी मोटा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। एंड नीचे तक ये पूरा ऐसा है, और नीचे ये थोड़ा मोटा ऐसा दिया हुआ है ताकि जो बॉर्डर है ना वो बहुत ही अच्छे से उठ कर आए, लेकिन आगे फ्रंट से आपको वो प्लेन वाइट ही दिखेगा, इस तरीके का है। सो ये मुझे बहुत 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 पसंद है ये पर्टिकुलर कुर्ता। मौका देख रही हूँ मैं कि इसको मैं कब पहनूंगी, और इसके साथ में पेयर कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके का दुपट्टा, ये देखिए रेड एंड मरून टाइप में। ये भी आपको मैं सारे प्रोडक्ट्स की जो अमेज़ॉन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक करना। और ये दुपट्टे की एक्चुअली मुझे एक खासियत ये लगी कि अगर आप वेडिंग वगैरह में जा रहे हैं तो उसको एज शॉल भी ले सकते हो, जैसे आपने साड़ी पहन ली, कुछ इस तरीके से आपने साड़ी पहनी और दूसरी साइड इस दुपट्टे को ऐसे शॉल के तौर पर आप कैरी कर सकते, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस सूट के साथ में ये दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत अच्छा लगेगा। सो ये एक और ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपको हैवी सूट्स में कंफर्टेबल बहुत ही अच्छा दिखने वाला कुछ चाहिए तो। एंड इसके अलावा मैं आपको ये मेरी ज्वेलरी जो मैं आज पहनने वाली हूँ ना, नेकलेस, ये क्लोजली दिखा देती हूँ, इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे ये वीडियो देख के इसकी लिंक मांगेंगे। तो पूरा AD अमेरिकन डायमंड वाला है, काफ़ी सुंदर लगता है, चोकर पीस है, तो इसको आप वेस्टर्न ड्रेसेस में भी पहन सकते हैं एंड इंडियन में भी पहन सकते हैं। इसके साथ में इयर रिंग्स आई है, बट मैं इयर रिंग्स नहीं पहनूंगी, मैं इयर रिंग्स ये जो मैंने पहने हैं ना गोल्ड के, यही पहने रखूंगी। ये देखिए, सो ये इयर रिंग है जो इसके साथ में मुझे रिसीव हुई है। तो ये प्रोडक्ट्स जो कि मुझे आपको दिखाना था, बिकॉज अच्छी सेल है, मानसून सेल है अमेजोन पर, अप टू 70% ऑफ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो चेक कर लेना, हो सकता है आपको कुछ अच्छा बहुत अच्छी डील में मिल जाए, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स की बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलिए अब जल्दी से मंदिर जाने के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ, तो बस अब वेट कर रही हूँ जल्दी से ये उठ जाए, फिर इसको प्रॉपर अच्छे से प्रेस। मंदिर पास में ये बागेश्वर मंदिर जाऊंगी मैं, भोलेनाथ का मंदिर है, सो वहाँ ले जाएंगे ऐसे, बस मंदिर गए दर्शन कराए एंड सीधे घर, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे के साथ कहीं घूमने नहीं जा सकते। 6 बज रहे हैं, बट स्टिल अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जनरली यहाँ पर होती थी। सो बस ये थे कुछ अपडेट्स, मैं फिर मिलती हूँ जैसे हम रेडी हो जाते हैं ना फिर। और कल मैं पार्लर गई थी आफ्टर सो लॉन्ग, मैं डिलीवरी के आई थिंक मैंने 12-13 दिन पहले करवाया था सब कुछ, तो अभी मैं वापस से एकदम भालू हो गई थी, आईब्रोज वगैरह सब बहुत हो गए थे, सो आईब्रोज करा लिए, थोड़े से हेयर शॉर्ट करा लिए, वैक्स वगैरह करा लिया, तो अब अच्छा लगता है, सिर्फ थ्रेडिंग करा कर ही फेस काफ़ी अच्छा लगने लगता है। सो बस ये था, चलिए मिलती हूँ अब थोड़ी देर से। सो इधर हमारे छोटू शेठ और दीदी दोनों रेडी हैं, दोनों भाई बहन बिल्कुल चकाचक रेडी हो गए, चकाचक हैं। देखो टिमटिम दीदी, टिमटिम की मैंने टिमटिम के बालों में ऑयल था इसलिए मैंने ऐसी हेयर स्टाइल कर दी, एंड राम को भी रेडी कर दिया है, तो बाबा लग रहा है, बस मैं बची हूँ रेडी होने को, डैडी भी रेडी हो गए हैं बेबी। इधर देखो, चलो एक आध अच्छी फोटो सेशन कर ले आपका मेरे साथ। हाँ दीदी के साथ। सो आधी रेडी हो गई हूँ मैं, बस थोड़ा बचा है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आई है टिमटिम की और राम की, मैं पोस्ट करूंगी यहाँ साइड में, अब देखना। हाँ टिमटिम की गोदी में बैठा था राम। सो इतने हेयर कराए हैं मैंने शॉर्ट, अच्छा मेरा एक्चुअली बहुत उलझ रहे थे बाल, क्योंकि मैं अभी उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी बालों पर, सो आई थॉट कि थोड़े शॉर्ट ही करा लेते, और मुझे शॉर्ट हेयर आजकल बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। अभी करा के कल गई थी ना मम्मा पार्लर, लोटस भी किया था पहले। मैंने लगाया है बिल्कुल न्यूट सी लिपस्टिक, और ये है मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट, शेड है 21, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कमेंट में पूछते हो आप लोग, और फिर मेरे पास तब इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखूँ और फिर शेड नंबर बताऊँ, है ना। तो मैं बाल ऐसे ही करके जाने वाली हूँ, या तो मैं एक क्लचर ले जाऊँगी फ़ोटो क्लिक करते टाइम बाल खोल लूँगी, बिकॉज हवा बहुत चल रही है तो बाल खोल के जाना बहुत डिफिकल्ट होगा और सही आइडिया भी नहीं होगा, इसलिए मैं बाल थोड़ा सा पिन विन कुछ लगा लूँगी या क्लचर लगा लूँगी, एंड ये है इसका दुपट्टा। सो हो गई हूँ मैं रेडी, चलते हैं टेम्पल।
डायपर बैग वगैरह सब रेडी है ना बाबू, आगे रूम में ना डायपर बैग। चलो ठीक है, चलिए फिर है ना। टिम 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 इधर आओ। ये हूँ मैं और ये है टिम टिम। टिम टिम भी रेडी है नारियल लेकर के। अभी जाते हैं हम लोग रास्ते से क्या खरीदेंगे, मिठाई। सो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं एंड अभी हस्बैंड गए हुए हैं लड्डू लेने के लिए भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और टिम टिम आगे बैठी है एंड अब मैं पीछे बैठती हूँ बिकॉज राम को गोदी में लेकर के बैठती हूँ। बच्चों को जनरली आगे लेकर नहीं बैठना चाहिए, और तो हमारे पास उसकी कार सीट है बट अभी हम लोग कार सीट में उसको नहीं बिठाते, अभी गोदी में ही रखते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। क्योंकि बहुत छोटा है। टिम टिम ने भी बिंदी लगाई है, मम्मा ने भी बिंदी लगाई है और राम अभी सो रहा है। एक्चुअली फोटोज अच्छी क्लिक करा लिया इसने घर में, और फिर बच्चे तो कार में सो ही जाते हैं तो वो कार में आकर के सो गया। तो बस ये है, ये आए फिर हम लोग उतरते हैं नीचे। मौसम अच्छा है, प्लीजेंट मौसम है, बहुत ज़्यादा ऐसा गर्म नहीं है, अच्छा लग रहा है ना टिमी। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि मैं स्टार्टिंग में देना भूल गई, मुझे याद ही नहीं था, आज हम लोगों ने हमारा बूस्टर डोज भी लगवा लिया है, जो थर्ड डोज है ना कोविड का प्रिकॉशनरी तौर पर जो लगाया जा रहा है। तो आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बूस्टर भी लगवा लिया है। वैसे मैंने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया पिक्चर, बट बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैंने राम को इंजेक्शन लगवाया है या कोविड का कोई वैक्सीनेशन लगवाया है, क्योंकि राम मेरी गोदी में था। बट अभी बच्चों का कोई कोविड इंजेक्शन नहीं, इनफैक्ट टिमटिम का भी नहीं आया, आई गेस सिर्फ 10 साल तक के बच्चों के लिए आया है। सो मैं मेरा बूस्टर लगवाने गई थी, तो मैंने सोचा फोटो खींच के इंस्टा पर डालती हूँ, थोड़ा सा तो अवेयरनेस होगी, जिसको किसी को याद आ जाए, हो सकता है कि यार हमें भी लगवाना है, तो वही इसलिए मैंने पिक्चर डाली थी। तो हमारा बूस्टर डोज भी फाइनली हो गया। और ना पता, मैं कभी सोचती हूँ कि बहुत अच्छे से रेडी होंगी, जैसे अब मैंने नेकलेस में जनरली आपने देखा होगा मैं नहीं पहनती हूँ रेडी होती, तो बट आज मैंने नेकलेस भी पहना बट मैं हाथ में कुछ भी पहनना भूल गई। कभी भी वो कंप्लीट ए टू जेड रेडी होना हो ही नहीं पाता है। एंड आज स्लीपर भी मैं, मतलब जो सैंडल है वो भी मैं इतनी डेली वेयर पहन करके आई हूँ ना, मैंने सोचा मंदिर जा रही हूँ, मंदिर में तो उतार कर ही जाना है, कोई बात नहीं जो बाहर रखी है वही पहन के चल चलो। तो ऐसा है, वो आगे जो दिख रहा है ना आपको, एकदम दिख रहा है, मेरे साथ चलो। ये जो प्ले होता है उधर हम लोग जा सकते हैं, बट आज प्ले नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप खा लो, ये मैं खा लू। हाँ आप खा लो। दर्शन हो गए और जब अंदर थे तब बहुत गर्मी लग रही थी, बट अभी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउड है, शायद वीकेंड है इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड। सो घर आ गए हम लोग। टिमटिम नीचे से ही चली गई, टिमटिम नीचे से ही चली गई गार्डन खेलने के लिए, और मैं बस अब जा रही हूँ फटाक से राम की ड्रेस चेंज करूँगी, उसको अनकम्फर्टेबल है, उसके कपड़े सूख रहे हैं इधर, और मैं भी चेंज करती हूँ फिर उसको फीड वगैरह कराती हूँ। मैंने तो कर लिया फटाक से ड्रेस चेंज, राम की भी ड्रेस चेंज हो गई, वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। ये चेंज हो गई, पर कैसा लग रहा है, हाँ रिलैक्स रिलैक्स फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा है हुँ? हेलो, कितनी भी कंफर्टेबल इस टाइप के ड्रेसेस पहना हो ना, बच्चे थोड़े से ऐसे बंद ही जाते हैं। सो अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको फ्री हाथ एकदम फैला लिया है फ्री। यस, सो आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं आई हूँ मेरे किचन में, शूटिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं दूसरे रूम में, लेकिन शूटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि लंच के लिए क्या बनेगा एटलीस्ट वो निकाल के रख देती हूँ, ताकि जब मेरी जो कुक है वो आएंगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मिल जाएगा। सो आज मैं बनवाने वाली हूँ
पालक पनीर, जिसके लिए मैंने पालक को बॉईल कर लिया है। और मैंने इसलिए करके रखा क्योंकि जब वो आएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा, तो इजीली पीस के जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये बॉईल कर दिया। इसके अलावा मैं इसकी भुजिया सब्जी बनवाऊंगी, गिलकी की, आप लोग उसको क्या बोलते हो बताना, ठीक है। एंड इसके अलावा रोटी और दाल, राइस तो मैं बाद में जब मुझे खाना होता है तब मैं बना लेती हूँ। तो बस इतना है, अब मैं चली वीडियो शूट करने। तो आज मैं करूँगी टिमटिम के रूम में वीडियो शूट, सारा सामान यहाँ पर रख लिया है, कैमरा बस रेडी करना है और फिर स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो हो गया मेरा, मुझे मेरी स्किन इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब एकदम ग्लोई ग्लोई और एकदम रिफ्रेशिंग। मैंने एक्चुअली ग्लोइंग स्किन वाला एक वीडियो बनाया, ये इस व्लॉग के पहले हो सकता है लाइव हो गया होगा, चेक ज़रूर करना। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड इवन कैमरा में उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही बिकॉज लाइट अच्छी नहीं है, बट बहुत अच्छी। जैसे अभी थोड़ी लाइट पड़ रही तो दिख रहा होगा, बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है मुझे मेरी स्किन, पता ना कैसे लग रही है। मेरा खाना बन रहा, बहुत भूख लगी है, खाना खाऊंगी थोड़ी देर से। अरे छोटी सी चोटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है।